यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। GoPro थोड़ा नीचे रखो, आप इसको थोड़ा नीचे। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कैमरा पर्सन, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए, किस लिए आए? भारत जोड़ने के लिए। क्योंकि इस देश जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि एक मुझे एक अजीब सी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें।